इंदौर के रुद्रम थाना क्षेत्र में पिछले दिनों बदमाशों द्वारा पेट्रोल डालकर दुकान में आग लगाने के मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बदमाश नशे के आदि बताए जा रहे हैं, जो कि मौज मस्ती को लेकर शहर में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। इंदौर के रुद्रम थाना क्षेत्र स्थित कालानी नगर के संपत अपार्टमेंट के रेस्टोरेंट में पिछले दिनों देर रात में बदमाशों द्वारा पेट्रोल छिड़क कर शटर बंद रेस्टोरेंट में जलाने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद फरियादी द्वारा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं पास में लगे सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों के एरोड्रम पुलिस द्वारा सघन तलाशी भी शुरू की गई थी। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने मिथुन नामक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपने अन्य दो साथी योगेंद्र व इंद्रजीत का नाम बताया, जिन्हें भी पुलिस ने दबिश देकर पकड़ने में सफलता हासिल की। फिलहाल पकड़ाए बदमाशों से पुलिस अन्य वारदातों में भी पूछताछ कर रही है, जिससे कि क्षेत्र सहित शहर में हुए आगजनी और गाड़ियों को फोड़ने जैसी घटनाओं के मामले भी उजागर होने की संभावना है। आज दिनांक को संगीता राठौर द्वारा दिन में करीबन 12:45 बजे की रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात में किसी अज्ञात बदमाश द्वारा उसकी दुकान को आग लगा दी गई है। उसमें उसके द्वारा सीसीटीवी फुटेज दी गई, एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 व्यक्ति की पहचान की गई, जिसमें इंद्रजीत तंवर जो नगीन नगर का था, योगेंद्र विजय श्रीनगर और मिथुन मेघावत जो चंदन नगर इस सेक्टर का रहने वाला है, इनको पकड़ा गया, जिनके वारदात कबूल की गई और तीनों को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। हाँ, इसमें यह आया कि जो प्रार्थी है उसकी दुकान और एक इसमें जो आरोपी है उस आरोपी के सामने दुकान है, इस दोनों को उसके गैरेज है, तो दोनों के आपसी विवाद इसी बात पे हुआ, पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था, इसी कारण उसने रात में आग लगा दी।